Now here, first you can see children, edges and corner. These are the solid shape. देखिए solid, ये हमारे shapes के बारे में पहले जान लीजिए आप. These are the duster. Duster दिखाई दे रहा है ना? Duster? तो ये जो कॉर्नर, ये एज होता है इसका, ये जो ऐसे होता है ना किनारा, ये दैट इज एज. ये क्या बोलते हैं इसको बच्चों? ये एज, एज. एंड ये जो होते हैं, ये है कॉर्नर, जो कोने होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड कॉर्नर. ठीक है ना? दैट इज कॉर्नर, जो कोने होते हैं, ये देखिए यहाँ पे, दैट इज कितने कॉर्नर दिख रहे हैं? फोर, फोर है ना? देखिए, वन टू थ्री एंड फोर, और फोर इस साइड है, फोर इस साइड है ना? तो टोटल कितने हो गए, कितने कॉर्नर्स हो गए टोटल? फोर इस साइड एट हो गए. अब एज, एज मीन्स जहां पर टू साइड्स मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज. देखिए ये साइड और ये साइड एंड दिस साइड, वेयर दे मीट, जहां पे मिलती है. देखिए ये साइड इधर से आए, ये वाली साइड इधर से आई, ये कहां पे मिली? यहां पर, यहां मिली ना दोनों साइड कॉर्नर एज से. तो दैट इज कॉल्ड एज, जहां पे टू साइड्स मिलती है, दो साइड मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज. क्या बोलते हैं इसको? एज, ई डी जी एज. Now listen, I muted to all. Two sides where they meet, जहां पे दो साइड मिलती है, एक साइड ये, एक साइड ये, यहाँ पे दोनों मिल रही है, ये इधर से आए, ये वाली इधर से आए, दैट इज कॉल्ड एज. क्या बोलते हैं उसको? एज. एंड दीज आर द कॉर्नर, जो कोने होते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्नर. फोर इज साइड एंड फोर इज साइड, टोटल कॉर्नर एट. और ये शेप क्या बनेगी बच्चों? यहां से देखें, अगर इसको ऐसे देखें तो व्हाट शेप यू कैन सी? दैट इज रेक्टेंगल शेप. रेक्टेंगल शेप से और इसको सॉलिड शेप में देखें, वी कैन से क्यूबॉइड. आपने नेम सुना होगा क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड, दैट इज द शेप ऑफ क्यूबॉइड. ये सॉलिड शेप है. सॉलिड शेप में सॉलिड होती है एंड ये है आपकी प्लेन शेप, फ्लैट शेप और प्लेन शेप. ये पेज देख रहे हो ना, दैट इज प्लेन शेप एंड दैट इज सॉलिड शेप. सॉलिड शेप जो होती है ना, वो थ्री डायमेंशनल होती है, मतलब उसमें थ्री साइड्स होती है, लेंथ होती है, हाइट होती है. देखिए लेंथ है, कितनी लंबी है, कितनी ऊंची है और कितना डेप्थ है, उसकी गहराई कितना, मेजर कर सकते हैं. थ्री साइड, थ्री डायमेंशनल, लेंथ, हाइट एंड डेप्थ, इसको हम मेजर कर सकते हैं, है ना, कितनी मोटी है ये चीज. बट पेपर फ्लैट शेप, दिस हैज ओनली टू साइड, लेंथ एंड हाइट और ब्रेड्थ. ये केवल देखिए कितना लंबा पेपर है और कितना ये हाइट कितना है इसका, ओनली टू साइड, दैट इज कॉल्ड प्लेन शेप, प्लेन और फ्लैट शेप. एंड दैट इज सॉलिड शेप. सॉलिड मीन्स जिसको हम मेजर करें, कुछ वेट होता है, दैट इज कॉल्ड. देखिए इसमें ये इतना लॉन्ग है, इतना इसका हाइट है और इतना ये मोटा है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड शेप. अब सॉलिड शेप आया तो आपका, अब ये रेक्टेंगल शेप में है, इट मीन्स दैट इज क्यूबॉइड. इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों? क्यूबॉइड, क्यू यू बी ओ आई डी, दैट इज नेम क्यूबॉइड. देखिए इसको अगर मैं स्क्वायर करूं ऐसे, यू कैन सी ये आएगा आपका कौन सा शेप आ रहा है, ये आपका इस तरह से शेप बनेगा, रेक्टेंगल शेप बनेगा. अगर इसको ड्रॉ करें, दैट विल ड्रॉ रेक्टेंगल शेप, बट दिस इज द सॉलिड, ये सॉलिड है, तो इसका नाम होगा क्यूबॉइड, क्यू यू बी ओ आई डी, क्यूबॉइड. वी कैन से क्यूबॉइड, दिस शेप इज बी क्यूबॉइड. नाउ नेक्स्ट, अब आपका है, सपोज अब इसको मैं हाफ कर दूं, ये मैंने इतना शेप लिया, दैट इज मेरे फिंगर के बीच में, देखिए आप ओनली दिस वन, तो दैट इज ये जो आपको मेरे फिंगर का ये वाला स्पेस दिख रहा है, दैट इज क्यूब. क्यूब मीन्स ये स्क्वायर शेप में आएगा. और आप डाइस खेलते हो ना, जो आप लूडो वगैरह खेलते हो ना अपने घर में, उसमें डाइस होता है, आप जिससे नंबर्स लाते हो, दैट इज इन
क्यूब शेप, वो क्या होता है बच्चों, उसको बोलते हैं क्यूब, क्यू यू कैसे होता है, स्क्वायर में होता है, और ये क्यूबॉइड होता है आपका रेक्टेंगल शेप में होता है, क्यूबॉइड आपका रेक्टेंगल में, और जो क्यूब होता है वो स्क्वायर शेप में होता है, क्यूबॉइड, है ना, देखा होगा आपने। अब मुझे आपको म्यूट इसलिए करना पड़ता है बिकॉज आपकी क्लास में नॉइज बहुत होने लगता है। तो समझ आया बच्चों आपको क्यूब और क्यूबॉइड क्या होता है? जो आप डाइस खेलते, हाँ लेकिन अब साइलेंट हो जाइए, जो आप डाइस खेलते हो ना, डाइस होता है जिससे हम गोटे खेलते हैं लूडो में, दैट इज इन शेप क्यूब, वो क्यूब शेप में होता है। अब उसके कॉर्नर्स भी एट होते हैं और एजेज उसके कितना होते हैं, एजेज दैट इज है 12 एजेज, कितना एज होते हैं 12। अब देखिए मैं आपको कैसे एज, इसके एज काउंट करते हैं, कॉर्नर काउंट कर, एज कॉर्नर कितने हैं देखिए, 1 2 3 4, फोर इस साइड कॉर्नर कितना हुआ, एट कॉर्नर है ना, एज काउंट करते हैं, एज देखिए ये वाले 1 2 3 4, फोर इस साइड, ठीक है, 1 ये वाला देखिए 1, this one 2, this one 3 and this one 4, 4 age hue, 4 is side 4, iske back side 4 honge, back side 4 honge, 1, 2, 3 and 4, theek hai na, 4 idhar aur 4 udhar, kitne ho gaye, 8 ho gaye, 8 ho gaye, एज, वी आर काउंटिंग एजेस नाउ, अब इधर देखिए 4 इधर हो गए, 1 2 3 एंड 4, 4 इधर हो गए, कितने हो गए, 4, कितना 12 एजेस होते हैं, 1 2 1 2 3 एंड 4, 4 डाउन साइड, ठीक है ना, तो टोटल इट हैज 12 एजेस, ओके, एंड नंबर ऑफ कॉर्नर्स इट हैज, काउंट करें वंस अगेन। अब देखिए ये वाला आप डब्बा देख सकते हो, दैट इज इट, ये किसमें है, स्क्वायर दिख रहा है ना, स्क्वायर शेप दिख रहा है ना आपको, इसको अगर मैं ड्रॉ करूं, दैट इज इट स्क्वायर शेप, दैट इज क्यूब, क्यूब मान लीजिए आप इसको, दैट इज है 4 कॉर्नर्स, 1 2 3 4, और 4 इस साइड होंगे, तो टोटल 8 कॉर्नर एंड एजेस 1, दिस आर द एजेस, यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये इस तरह से आप काउंट करके रखेंगे, दैट इज 12, ओके, फोर कॉर्नर, 8 कॉर्नर्स एंड 12 एजेस। अब इसमें बताइए इसमें कितने कॉर्नर है, कितने कॉर्नर है, 4 कॉर्नर है ना, देखिए 1 2 3 एंड 4, और किस शेप में है ये पेज आपका, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल शेप, रेक्टेंगल शेप, रेक्टेंगल शेप में है ना। नाउ अब आपको, यस मैम, now this page number here, page number 63, keep out page number 63, nikal liya, page number 63, ab yahan par dekhiye, edges and corners,
क्या है इसका नेम? एज, ई डी जी ई एस, एजेज एंड कॉर्नर. मीता एंड हर फाइव फ्रेंड्स वर प्लेइंग ए गेम. एक गेम खेल रहे थे, पांच बच्चे हैं, दे आर प्लेइंग ए गेम. टिंकू वॉज ब्लाइंड फोल्डेड एंड आस्क, ब्लाइंड फोल्ड में आंखों पे पट्टी बांधा हुआ था ये, है ना, एंड आस्क टू कीप क्लैपिंग एज लॉन्ग एज ही विश्ड व्हाइल द अदर्स वुड मूव राउंड अ टेबल. और वो क्लैपिंग कर रहा था, ब्लाइंड फोल्ड था, क्लैपिंग कर रहा था, जब तक उसका मन था तब तक क्लैप करना था उसको, और क्लैप करने की राउंड तब तक वो क्लैप कर रहा था टिंकू. ये बच्चे टेबल के चारों राउंड में सर्कल सर्कल राउंड कर रहे थे, ठीक है, क्लियर है. ये सारे बच्चे टेबल के चारों तरफ राउंड कर रहे थे. अब गेम क्या था, द मोमेंट टिंकू स्टॉप्ड क्लैपिंग, अब रिंकू ने जो आंखों पे पट्टी बांधा हुआ है ये बच्चा, इसने क्लैप करना बंद कर दिया एंड अपना ब्लाइंड फोल्ड निकाला. हियर एवरीबॉडी वुड स्टॉप वेयर एवर दे वर, सारे बच्चे वहीं रुक जाएंगे, ये वाले बच्चे जहां पे वो सर्कल में घूम रहे थे, जैसे इसने क्लैप बंद किया, सारे बच्चे जहां जो जिस पोजीशन पे था उसको वहीं रुकना था, ठीक है. नाउ द चाइल्ड हु वाज नॉट एट द कॉर्नर वुड बी आउट, अब इनमें से जो चाइल्ड कॉर्नर पर नहीं होगा दैट वुड बी आउट, वो आउट हो जाएगा. Then she would be blindfolded. अब उसके बाद वो blindfolded होगा. ये समझ आ गया गेम आपको? If you understand it, then you give me thumbs up. अगर आपको समझ आया, you can give a thumbs up. समझ आया गेम क्या था? समझ आया आपको बच्चों? Thumbs up दीजिए. अगर गेम समझ आया क्या गेम था, you can give your thumbs up. आपको unmute नहीं कर सकती because you are making so much noise. है ना? बताइए समझ आया क्या गेम था? जैसे यार यू कैन सी आई एम आस्किंग टू यू, आप बहुत शोर मचाने लगते हो, सो दैट्स व्हाई आई एम म्यूटिंग. बताइए गेम समझ आया आपको, क्या गेम था? यस मैम. हाँ आवाज मत करिए. हाँ क्या गेम था? देखिए ये यहाँ पे आंखों पे पट्टी बांध के क्लैप बजा रहा था और बोल रहा था इन बच्चों को सारे में राउंड लेना है, जब वो क्लैपिंग बंद कर देगा तो जो बच्चा जहां पे है वहीं पे उसी पोजीशन में वो स्टैंड अप हो जाएगा, ठीक है. अब इसमें से बताइए आप बच्चों देखकर कि कौन बच्चा आउट होगा, इन इन में से ये फाइव में से कौन आउट हुआ होगा, कौन आउट होना चाहिए? गुड्डू. जो गुड्डू क्यों आउट होगा? क्यों क्यों वाई वाई? क्योंकि वो कॉर्नर पे नहीं खड़ा है. देखिए बंटी कॉर्नर पे है, मीता कॉर्नर पे है, देखिए यहाँ पर ये छोटू कॉर्नर पे है और ये राजा, ये भी बट ये गुड्डू जो है वो बीच में खड़ा है टेबल पे. वहां पे कोई कॉर्नर है क्या टेबल का? कोई कॉर्नर नहीं है ना बिटवीन, सो दैट्स व्हाई गुड्डू इज आउट. इसलिए क्यों आउट, कौन आउट हो गया? गुड्डू, क्योंकि वो स्टैंडिंग इन द मिड ऑफ द टेबल, मिडिल में खड़ा था. टेबल के कहाँ खड़ा था बच्चों? वो मिडिल में, बीच में खड़ा था, इसलिए गुड्डू इज आउट. नाउ अब ये वेयर इज द गुड्डू? इधर पहले ए वाला, लुकिंग एट द पिक्चर गिविन अबव कैन यू टेल हु इज आउट? तो गुड्डू इज आउट, यू कैन राइट योर आंसर हियर. हु इज आउट? हु इज आउट? गुड्डू इज आउट, है ना? तो आप अपना आंसर यहाँ पर लिख सकते हो. Yes, ma'am. Where you can write? Ma'am, notebook में. हाँ, notebook book में कर लीजिए. Book में कर लीजिए. ना here, you can write here. यहाँ पे कर लीजिए. Ma'am, please side. Here. Please side. Ma'am. कौन आउट हुआ? गुड्डू इज आउट. हु इज आउट? गुड्डू इज आउट. नाउ बी, अब बी नंबर देखिए. वेयर इज गुड्डू स्टैंडिंग? गुड्डू कहाँ खड़ा था? गुड्डू मैम एजेस में. नाउ बीच में, मिडिल ऑफ द, मिडिल ऑफ द टेबल.
कहाँ खड़ा था बच्चों? गुड्डू इज स्टैंडिंग मिडिल ऑफ द टेबल, टेबल के बीच में खड़ा था ना, है ना, इसलिए वो आउट था। नाउ हियर, कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड ए राउंड टेबल एंड व्हाई? बताइए, आंसर कीजिए। हियर गिव द आंसर, समवन गिव द आंसर, ये वाला सी वाला आंसर करिए उत्कर्ष। कैन दिस गेम, क्या ये गेम एक राउंड टेबल के चारों ओर खेल सकते हैं, गोल वाली टेबल के चारों तरफ? क्यों? बिकॉज क्यों, क्यों नहीं खेल सकते? व्हाई दे डोंट प्ले? नो मैम। नो, आंसर इज नो, बट व्हाई? बिकॉज मैम उसमें कॉर्नर नहीं है। यस यस, बिकॉज राउंड टेबल हैज नो कॉर्नर। क्या है बच्चों आंसर? बिकॉज राउंड टेबल हैज नो कॉर्नर, उसके कोई कॉर्नर नहीं होता, तो दे कांट प्ले राउंड टेबल में, वो नहीं खेल सकते। ठीक है, अंडरस्टूड? नाउ यस, अब ये देखिए, मैनी थिंग्स अराउंड अस हैव स्ट्रेट एजेस। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो स्ट्रेट एज, मतलब ये देखिए इनका कॉर्नर, ये स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट में सीधा होता है, और कर्व कैसा होता है? कर्व ऐसे घूमने वाला होता है। देखिए ये स्ट्रेट, हाँ ये आपका स्ट्रेट एज है, ये वाला ऐसे सपोज, ये क्या है? स्ट्रेट एज है ना। और ये देखिए ये क्या है आपका, ऐसे सपोज ये बनाया, ये कौन सा एज हो गया? कर्व एज, दिख रहा है? Yes, ma'am. कर्वेज, ये कर्वेज हो जाएगा जिसमें कर्व ऐसे, और दैट इज स्ट्रेट एज, सीधा जो होता है वर्टिकल, दैट इज स्ट्रेट एज। अब किस किस में होता है? देखिए चेयर में स्ट्रेट एज है ना, ये देखिए यू कैन सी, ये दैट इज स्ट्रेट एज, ये वाला एज, दैट वन, सब स्ट्रेट है ना। काइट में भी है, देखिए स्ट्रेट एज है ना, अंडरस्टूड इट? स्ट्रेट एज। और एज क्या होता है? वेयर टू साइड्स आर मीट, क्या होता है बेटा एज? जहां पर दो साइड मिलती हैं, दो साइड मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज। ओके, नाउ हियर अदर थिंग, पेज नेक्स्ट पेज नंबर, हाँ चेयर नहीं आ रहे। क्या नहीं आ रहे? चेयर। बेटा मेरे स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे मेरा पिक्चर दिख रहा है ना, आपके मोबाइल स्क्रीन पर, वेयर यू कैन कीप टू टैप, दो टैप करिए। अब देखिए यहाँ पे अदर थिंग्स हैव कर्व एजेस, फॉर एग्जांपल, अब देखिए ये देखिए व्हील दिख रहा है ना आप, व्हील इसमें कर्व एज है, देखिए ऐसे गोला जैसे बना है ना, दैट इज कर्व एज है ना, ये भी कर्व एज है। स्ट्रेट एज है, के कौन सा एज है बताइए इसका, टेल मी उत्तर। ऐसे कर्व है ना, घुमा हुआ ऐसे गोल, दैट इज कर्व एज है ना। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई थिंग्स विथ स्ट्रेट एंड कर्व एज। आपको कुछ बुक बताना है, पिक्चर्स बताना है, कुछ चीजों के नाम जो क्या बोल रहे हो? आई कांट एबल टू लिसन, व्हाट यू आर टेलिंग, नहीं समझ आ रहा है, आवाज नहीं आ रही क्या? उत्कर्ष, कार्तिके पांडे, नैन्सी, आवाज नहीं आ रहा बच्चों? अवनी, अवनी आवाज आ रहा है? आ रही है ना? हाँ, तो देखिए अब ये वाला ए, अब ए वाला क्वेश्चन, ए वाला क्वेश्चन देखिए, लुक ए लिखा है ना? यस मैम। हाँ
बुक दिखा रही हूँ ना मैं, लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई थिंग्स विद स्ट्रेट एंड कर्व एजेस. स्ट्रेट और कर्व एज के थिंग्स हमको नाम लिखना है. तो क्या क्या हो सकती है वो बताइए, क्या क्या हो सकती है बच्चों? यार एक इरेजर हो सकती है, स्ट्रेट एज के साथ क्या हो सकता है? और एक बुक हो सकती है, एक बुक हो सकती है, बुक हो सकती है ना? और एन इरेजर, एन इरेजर, ठीक है, इरेजर में स्ट्रेट होता है. और एंड पेपर, बुक नहीं दिख रही, कौन दिख रहा है, कौन दिख रहा है आपने? आप बुक, जहाँ बुक दिख रही है वहाँ पे डबल टैप करिए. बुक सबको दिख रही है ना, बुक अवनी बुक दिख रही है? अवनी नैन्सी, नैन्सी बुक दिखाई दे रही है? यस मैम. हाँ अब देखिए, ये जो मैम ने एग्जांपल लिखे हैं, ए बुक एंड इरेजर एंड ए पेपर, इनमें कौन सा एज होता है? स्ट्रेट, स्ट्रेट एज होता है ना, है ना? यस मैम, यस मैम. विथ, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए. यस यस, कि वो जो बुक है ना वो मैं दिखाई नहीं दे रही. क्यों नहीं दे रहे? आपने, आपने मेरे जहाँ पे मैम दिख रही थी वहाँ पे आपने डबल टैप किया था, किया था डबल टैप, तो बुक सब बच्चों को दिख रही है, आपको क्यों नहीं दिख रही है? तो अब देखिए, ए बुक एंड, ये क्या है? विद स्ट्रेट एज. एंड आंसर नोट कर लीजिए बच्चों, एंड ए सिलेंडर, ए सिलेंडर, ए पेन, पेंसिल, ए बाउल विथ विथ कर्व एज. देखिए लाइन नहीं बची, कोई बात नहीं, बाद में आप वीडियो से नोट कर लेना, ठीक है? ये तो एग्जांपल है बच्चों, एग्जांपल दिया मैंने. एक बुक होती है, ये देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, क्या होता है? स्ट्रेट एज होता है ना, स्ट्रेट एज सीधा. इसमें कर्व है क्या कहते हैं? ऐसा कर्व है क्या? नहीं है ना कर्व, दैट इज नो कर्व. अब देखिए, हाँ अब देखिए चौक, देखिए इसमें एक स्ट्रेट एज है ना, और एक देखिए एक कर्व एज है. देखिए मैं दिखाऊं आपको, दिखाऊं यहाँ पे, बाद में दिखाती हूँ. देखिए इधर से ये कर्व एज है ये वाला, और ये ऐसे करेंगे तो एक स्ट्रेट एज है, ठीक है? ये क्या है? ये इसको भी आप, इसको भी एग्जांपल रख सकते हो. एक कर्व एज है, इधर से गोल है, और इधर से स्ट्रेट एज है, दैट इज चौक. तो दीज आर द सम एग्जांपल्स व्हिच वन आई हैड गिवन टू यू. ओके नाउ, अब नंबर बी, बी क्या है? देखिए बी रीड करते हैं. डू द थिंग्स विद स्ट्रेट एज हैव कॉर्नर्स? बताइए बी वाला आंसर बताइए. डू द थिंग्स विद, जिन थिंग्स में स्ट्रेट एज होता है, ऐसा वाला एज होता है, उनमें कॉर्नर्स होते हैं क्या? होते हैं कॉर्नर्स? नो क्यों? ये कॉर्नर है तो, ये कॉर्नर है तो, ये कॉर्नर है तो, दैट इज कॉर्नर, ये है तो कॉर्नर. देखिए दैट इज है तो कॉर्नर, ये कॉर्नर है तो, देखिए स्ट्रेट एज है लेकिन कॉर्नर है ना, तो yes, तो फिर नो क्यों बोला? डू द बी वाला, जस्ट वी आर डूइंग बी आंसर. नाउ राइट द आंसर. यस यस, यस द थिंग विद स्ट्रेट एज हैव कॉर्नर. यस थिंग, please
मैम नोटबुक पे करना है। अगर आपकी बुक में जगह हो बुक में कर लीजिए। यस थिंग्स विद स्ट्रेट कॉर्नर विद स्ट्रेट एजेस विद स्ट्रेट एजेस हाँ कॉर्नर। पेज नंबर है 64 यस थिंग्स विद स्ट्रेट एजेस हैव कॉर्नर। जिस थिंग्स का स्ट्रेट एज होता है दैट हैव कॉर्नर। ओके मैम हाँ यस बोलिए। एग्जाम्पल लिखवा लिया। हाँ एग्जाम्पल है बेटा जो क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन एबीसीडी देख रहे हो ना एबीसीडी तो सी वाले का हाँ तो मैं एग्जाम्पल है आप देख लेना बाद में। अब सी का मैम ने बताया था डू द थिंग्स विद कर्व एज हैव कॉर्नर। अब सी का बताइए ध्यान से बताइएगा सी रीड करिए सी वाला डू द थिंग्स विद कर्व एज हैव कॉर्नर जिसमें कर्व एज होता है वो कॉर्नर होता है क्या हमें नो मैम। यस मैम। कौन बोला नो 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 इज राइट आंसर। ये देखिए ना नहीं देखिए ना ये कर वाली है तो इसमें कहाँ है कॉर्नर टेल मी कहाँ है कॉर्नर इसमें। यस मैम। नो मैम। नो मैम। वेट 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 आप देखिए ना ये देखिए दस वन ये कर्व एज है तो कहाँ है इसमें कॉर्नर कॉर्नर है क्या कॉर्नर है इसमें नहीं है ना। आप देखिए हाँ आप देखिए डू द थिंग अब उससे पहले बी वाला था ना ये देखिए ये स्ट्रेट एज है ना सीधा एज है ना इनका बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट है ना तो इसमें कॉर्नर है कि नहीं कॉर्नर है कि नहीं कॉर्नर है ना दे हैव कॉर्नर कॉर्नर है ना और कॉर्नर फोर ना। अब नंबर डी बताइए नंबर डी हियर इज नंबर डी रीड करिए नंबर डी हियर बताइए क्या लिखा है ट्राई टू फाइंड थिंग्स विच हैव बोथ स्ट्रेट एंड कर्व एजेस जो दोनों होता है जिसमें स्ट्रेट और कर्व दोनों होता है कौन कौन होते हैं बताइए वो जिनमें कर्व भी होता है। देखिए एक तो चौक है ना इसमें स्ट्रेट भी है और देखिए ये कर्व भी है देखिए कर्व एज भी है ठीक है और क्या होता है और बताइए और एग्जाम्पल दीजिए मैम को और क्या हो सकता है पेंसिल हो सकती है पेंसिल है पेंसिल और क्या हो सकता है इरेजर नहीं इरेजर नहीं इरेजर में कर्व नहीं होता है इरेजर में कर्व नहीं होता है दैट इज कैप्सूल आप कैप्सूल लेते हो ना कैप्सूल और बोल हाँ यस यस है ना तो अब हाँ आप देखिए अब एक चीज देखिए ना लेसन अब उसी के नीचे रीड करेंगे हम थोड़ा सा एक्टिविटी एक करा रहे हैं। देखिए अब एक एक्टिविटी आप देखिएगा एक रेक्टेंगल पेपर है ठीक है अब मैंने इसका एक कॉर्नर ये वाला मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया दिख रहा है बच्चों सबको ये एक मैंने इसका एक कॉर्नर फोल्ड कर दिया यहाँ पे अब इसमें कितने कॉर्नर है बताइए और मैंने कॉर्नर फाइव देखिए वन लिसन वन टू टू थ्री और देखिए फोर एंड फाइव हाँ मैंने कॉर्नर फाइव है ना हाँ अब नाउ फोल्ड ऑफ इट वन कॉर्नर अब इसका बताइए अब कितने कॉर्नर होंगे अगर मैंने इसको भी फोल्ड कर दिया मैम सेवन कॉर्नर काउंट करते हैं ना काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कितने हुए काउंट करिए वन टू थ्री फोर
और फाइव एंड सिक्स, सिक्स कॉर्नर हुए ना, टू टू और टू इधर है ना। अब इसका एक कॉर्नर और फोल्ड करें, देन अब अपना आप देखें आप कितने कॉर्नर हुए, तो आपको फाइव कर वेट वेट काउंट करते हैं। देखिए वन वन टू टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कितने हुए सेवन एट, और अब हमने चार कॉर्नर फोल्ड कर दिए, देन हाउ मेनी कॉर्नर, एट हो गए ना, एट हो गए ना, एट 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 कॉर्नर। लिसन लिसन काउंट करते, बहुत शोर मचाते हो, काउंट करते ना, चलिए वन टू टू नीचे फोर टू इधर सिक्स और टू इधर, कितने हुए एट, एट कॉर्नर एंड दैट स्टेप इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स साइड है इसकी, सिक्स एज है, दैट इज हेक्सागोन। क्या शेप है ना, देखिए वन साइड टू एज थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, दैट इज शेप इज हेक्सागोन। तो आपको ये एक्टिविटी आप करके इसको अपने से करके देखिएगा, काउंट करके देखिएगा कितने कॉर्नर आपको मिलते हैं और कौन सा शेप आपका बना, वो कौन सा शेप था जो आपको मिला है ना, ठीक है, कौन सा शेप मिला। अब बताइए कैन यू फोल्ड दिस पेपर इन सच ए वे दैट हैज ओनली थ्री कॉर्नर, क्या हम इस पेपर को ऐसे फोल्ड कर सकते हैं कि इसमें थ्री कॉर्नर रहे। सपोज मैंने ऐसे फोल्ड किया तो थ्री कॉर्नर है क्या, कहीं फोर कॉर्नर आएंगे, और अगर मैंने एक फोल्ड और कर दिया टू फोल्ड अलाउ है तब भी कितने कॉर्नर आएंगे, तब भी फोर ही कॉर्नर आएंगे, फोर ही कॉर्नर आएंगे, रिपीट द, है ना। तो आपको समझ आया बेटा कितने कॉर्नर कैसे मिला हमको एक्टिविटी से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में, हाँ नेक्स्ट क्लास में हम अपना दूसरा वाला पेज नंबर 65 वी विल कंटिन्यू दैट, ओके। आज का टाइम हो रहा है तो कॉर्नर इज बाय बाय कॉर्नर इज